शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में भूचाल, एनसीपी नेताओं में इस्तीफे का दौर जारी। जितेंद्र आव्हाड़ ने राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा, अनिल पटेल ने भी पवार को भेजा रिजाइन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक और भूचाल दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, पवार का इस्तीफा, एनसीपी में भूचाल, अनिल पटेल ने भी परिवार को जिस तरीके से संभाला और अब आगे जो है नए अध्यक्ष पद की जो कमान है वो लगातार आगे जारी है। अब इस्तीफे के बाद एनसीपी में भूचाल, एनसीपी नेताओं में इस्तीफे की कवायद का दौर अब जारी है। जितेंद्र आव्हाड़ ने राष्ट्रीय महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद जितेंद्र आव्हाड़ ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अनिल पटेल ने भी पवार को रिजाइन भेजा। तो कल जिस तरीके से शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार एनसीपी में भूचाल दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ एनसीपी में नया कुछ होने वाला है, ये सब देखना होगा। इस्तीफे का दौर एनसीपी नेताओं में जारी है। एनसीपी पार्टी में कल शरद पवार के इस्तीफे के बाद जितेंद्र आव्हाड़ ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अनिल पटेल ने भी पवार को रिजाइन भेजा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में उछापटक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपके सामने कि अब एनसीपी का बॉस कौन होगा, उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। अब आगे देखना ये होगा कि अध्यक्ष बने रहे लेकिन कामकाज के साथ ही कैसे, क्या बढ़ती उम्र की बीमारी की वजह से भी इस्तीफा दिया है, कई ऐसे सवालात जो हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने सामने पार्टी नेतृत्व का ट्रांसफर भी करना चाहते हैं, कई सारे ऐसे सवालात जो महाराष्ट्र की राजनीति में, और वहीं एनसीपी का अगला बॉस कौन होने वाला है। अजीत पवार पर भी दबाव की रणनीति है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एनसीपी का बॉस कौन होगा, पवार ने इस्तीफा क्यों दिया, बढ़ती उम्र की बीमारी की वजह से भी इस्तीफा दिया है, अब अपने सामने पार्टी नेतृत्व का ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं, कई सारे ऐसे सवालात जो आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि अजीत पवार पर दबाव की क्या रणनीति है, और साथ ही बीजेपी से अजीत पवार की नज़दीकी भी इसकी वजह बन सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आप क्या कुछ नई अपडेट है एनसीपी में, जो उठापटक चल रही है राजनीति में, लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। बिल्कुल, एनसीपी में जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर के पार्टी के जो रणनीतिकार है वो चाहते हैं कि शरद पवार अपना रिजाइन वापस ले लें और अध्यक्ष पद पे बने रहे, क्योंकि पार्टी में घमासान मचा हुआ है। और जैसे ही कल वो एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने बोला कि हम रिजाइन दे रहे हैं अध्यक्ष पद से, उसके बाद यह दावेदारी सामने आने लगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। और इसी को लेकर के एक कमेटी गठित की गई थी, एक बैठक चल रहा है जहां पर मंथन भी चल रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो शरद पवार अगर अध्यक्ष पद से हटते हैं तो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले, जो उनकी बेटी है और सांसद है, वह बनेंगी, जो कि रणनीतिकार बता रहे हैं। पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी जाए और एक धड़ा यह चाहता है कि अजीत पवार को जिम्मेदारी दी जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अजीत पवार के संपर्क में पार्टी के बड़े नेता और विधायक हैं। तो ऐसे में अगर अजीत पवार को नहीं बनाया जाता है, वो नाराज हो जाते हैं, तो पार्टी टूट सकती है। और इस दौरान अजीत, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी है, तो पार्टी से एनसीपी के लिए जो है आने वाले समय में तमाम चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और एक पार्टी के रणनीतिकारों का यह भी मंथन है कि ये परिवार के किसी मेंबर को न बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताया जाए, जैसे प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के करीबी लोगों में से एक है, मजबूत दावेदार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है। फिलहाल मंथन हो रहा है और तीन नाम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे आगे सुप्रिया सुले का नाम चल रहा है, जो शरद पवार की बेटी है,
सांसद हैं उनकी उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। और एक पार्टी के रणनीतिकार देख रहे हैं कि अजीत पवार को भी लेकर के मंथन चल रहा है और प्रफुल्ल पटेल को लेकर, थोड़ी देर में या तो शरद पवार मान जाएंगे, अपना रिजाइन वापस ले लेंगे, या अगला अध्यक्ष कौन होगा ये नाम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तमाम नामों को लेकर के अभी सियासी बयान जारी है और मंथनों का दौर चल रहा है। जी जी बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए।